ये बहुत ही अच्छे हुए हैं, ये देखिए। हमें ब्राउन मोट लेनी है। इसे अच्छे से साफ करने के बाद एक बाउल में हमें करीब करीब एक कटोरी मोट डालनी है और इसे अच्छे से ऊपर तक पानी भर के रख देना है। इसे हमें 7 to 8 hours ढक कर रखना है। After 7 to 8 hours ये अच्छे से फूल चुका है। हमें इसका पानी अभी निकाल देना है। अच्छे स्प्राउट्स लाने के लिए या तो आप किचन टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। किचन टॉवल लीजिए और उस पर मोट आप डाल दीजिए। कपड़े में डालने के बाद अभी हमें इसके पोटली बनानी है। देखिए, ऐसे पोटली बांधने के बाद आपको इसे ओवरनाइट रखना है और बीच बीच में 4-4, 5-5 घंटे के बाद हमें इस पर ऐसे पानी स्प्रिंकल करना है जिससे इसका स्मेल निकल जाए। स्प्राउट्स लाने का एक प्रोसीजर तो ये है और दूसरा है आपको एक छलनी लेनी है। इसमें हम मोट डाल देंगे। अभी हमें इस पर गीले किचन टॉवल से इसे अच्छे से ढक के रख देना है और इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप अच्छे स्प्राउट्स ला सकते हैं। हमें इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अच्छे स्प्राउट्स डिपेंड करता है आपके क्वालिटी ऑफ मोट पर और वेदर पर। चलिए देखते हैं हमारे स्प्राउट्स कैसे हुए हैं। हम देखते हैं, वाओ, ये बहुत ही अच्छे, एकदम परफेक्ट। ये हो गए हमारे स्प्राउट्स का एक तरीका। अभी हम दूसरे तरीके से देखेंगे जो हमने पोटली बांधी थी उसके स्प्राउट्स कैसे हैं। वाओ, ये भी बहुत अच्छे हुए हैं, एकदम परफेक्ट। अब इन दो मेथड का यूज करके कोई भी दालों को अंकुरित आप बना सकते हैं। आप इसकी या तो सब्जी बनाइए या आप इसे सलाद में यूज कीजिए।